एक दिन राजा अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में घूम रहे थे। बहुत ही सुंदर सुबह थी। बहुत सारे कौवे तालाब के आसपास उड़ रहे थे। कौओं को देखते ही बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उनके राज्य में कुल कितने कौवे होंगे। बीरबल तो उनके साथ ही बगीचे में टहल रहे थे, तो राजा अकबर ने बीरबल से ही यह प्रश्न कर डाला और पूछा, बीरबल आखिर हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। यह सुनते ही चालाक बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज पूरे 97,663 कौवे हैं हमारे राज में। महाराज अकबर इतने तेजी से दिए हुए उत्तर को सुनकर हक्का बक्का रह गए और उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। महाराज ने बीरबल से दोबारा प्रश्न किया, अगर तुम्हारे गणना किए गए अनुसार कौवे ज़्यादा हुए। बिना किसी संकोच के बीरबल बोले, हो सकता है किसी पड़ोसी राज्य के कौवे घूमने आए हों और कम हुए तो। बीरबल ने उत्तर दिया, हो सकता है हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने किसी अन्य राज्यों के रिश्तेदार के यहाँ घूमने गए हों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में शांत मन से विचारों को सुनने और सोचने से जीवन के हर प्रश्न का उत्तर निकल सकता है।